कसम से धरती सुनहरी अंबर नीला ऐसा देश है मेरा। कहने के लिए एक गाने के ये तो बोल हैं, पर सच में धरती सुनहरी अंबर नीला ऐसा देश है मेरा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यूं ही नहीं मेरे देश को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा जाता है, क्योंकि ये वो धरती है जहां पर कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो कभी वंदे मातरम कहा जाता है। क्योंकि ऐसा देश है मेरा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस देश में 8 धर्म और 1 संविधान सबको एक साथ इकट्ठा बांधे रखता है, क्योंकि ऐसा देश है मेरा। तो सच में किसी ने सच कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, धरती सुनहरी अंबर नीला, कुछ ऐसा देश है मेरा, कुछ ऐसा देश है मेरा। 3 रंगों से मिलके बना है ये देश, अलग अलग भाषाओं से मिलके बना है ये देश, कुछ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। सो गाइस, हम लोग निकले हैं अब मसूर घूमने के लिए, तो मैं आ गया हूँ मॉल रोड के पास में। तो खाने पीने का शौकीन था, तो क्या सोचा खाते पीते हैं और नज़ारा देखूँ, तो पहले ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे जो है ऐसा कुछ नज़ारा है, अच्छा खासा ब्यूटीफुल लग रहा वैसे। एक बात तो है देखो, और पूरा मॉल रोड बाजार का एरिया छर्रे वाली बंदूकें चल रही है, छेरा फेंक के जो है टाइम पास करने के लिए। ये मान लो कि हर चीज़ है यहाँ पे, हर चीज़। ये लो भैया, भैया अब हम आ गए हैं रोपवे पे, तो हम यहाँ से लेके वहाँ तक की जो है, अब वहाँ स्टॉप तक जाएंगे, उस स्टॉप में देखते हैं क्या होगा। तो मस्त है जगह, फिर वहाँ से लेके अब वहाँ तक क्या जाएंगे पता नहीं, बैठते हैं बैठे। तो ये हो गई एंट्री हमारी, तो ये हो गई जर्नी स्टार्ट। यहाँ से
बड़ा बलवान। सन पॉइंट, व्यू पॉइंट, पता नहीं कौन कौन सा पॉइंट देखने के लिए जो है हम सब आए हैं। अब ये पता नहीं मेरे को कि क्यों। आफ्टर स्पेंडिंग 180 रुपीज मैं यहाँ पे आया हूँ। चलो यार देखते हैं टेलीस्कोप पॉइंट इतना होगा उतना देखते हैं। और भाई बंदे के हिसाब से दिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक व्यू पॉइंट है ऊपर से मसूरी का और कुछ नहीं। नाउ दिस इज द देहरादून सिटी, मतलब कि यहाँ से पूरा देहरादून दिखता है। कमाल का नज़ारा है। ऐसे एक बात तो है, 180 रुपये स्पेंड करने के बाद कुछ तो अच्छा लगता ही है। वैसे पैसे ही खर्चने के लिए आए हैं और क्या करने के लिए आए। गजब है, गजब गजब। नाउ आई फील दैट आई शुड हैव ड्रोन। ड्रोन होना जरूरी है, अब पता चला। वैसे चांद जो है बहुत दूर दिखाई दे रहा है, जूम करके लेना पड़ेगा। और हमारे पास में जो है बैटरी बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा ही कम है। वैसे यहाँ से जो है जो हिमालयस थे वो दिखाई देते हैं, मसूर से हिमालयस। और ये जो टेलीस्कोप लगे हुए हैं इनके थ्रू जो है 100 रुपये के चार्जेस से पास से जो वो सब दिखाई देते हैं। लेकिन हमने खर्चा किया नहीं क्योंकि क्या करेंगे, देख के देख तो रही। और वैसे भी हम लोग वहाँ पे गए तो तुंगनाथ है, वहाँ पे तुंगनाथ के वहाँ पे गंगोत्री वहाँ पे, और क्या हमने उसको ऑलरेडी पास से देखा हुआ, तो ज़्यादा कुछ है नहीं तो देखने की जरूरत रहे नहीं। और कुछ करेंगे नहीं, नीचे जाएंगे देखते हैं क्या खाते हैं। पहले तो पूरा घूमते हैं चारों तरफ से, चारों तरफ चलते हैं। नाउ हेयर इज़ अ हॉन्टेड हाउस, इसमें जाके जो है हॉन्टेड दिखाते हैं भूत प्रेत की कहानियाँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं देखूँ। वैसे भी मैं पहाड़ों में आया हूँ तो ये सब चीज़ तो नहीं कर सकते हम लोग। ऐसे और कुछ तो है नहीं ज़्यादा दिखाने के लिए। ओहो है ना, प्रभु प्रभु है हमारे। जय माता दी, जय माता दी, जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो चलते हैं यहाँ से, जय शनिदेव महाराज का प्राचीन मंदिर है। हम चलेंगे उस तरफ में। वैसे एक बात है, मतलब कि हर जगह अच्छी है, हर जगह का जो है अलग ही नज़ारा है, खुद का अपना खुद का क्या चीज़ कर सकते हैं वो चीज़ का नज़ारा है। हर एक चीज़ जो है अपने में है और दिखाने के लिए भी है, जैसे कि सिनेमेटिक व्यूज पॉइंट है, गन पॉइंट वगैरह, इन सब चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ से जो अब सीनरी के, नाउ द सिटी लुक्स ब्यूटीफुल, इट इज क्या तो बोलना था कि पता नहीं क्या बोलना था। हाँ एक ही चाहिए। Here is the view. अब है यहाँ से जो अब धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा वैसे वैसे लाइटें जलेंगी,
तो फिर नीचे जो है तारे टाइप का दिखेगा। अच्छा गुड, लेट्स हैव अ टी नाउ। वी टी टी पियेंगे। ठीक, यहाँ पर रख दो, मैं यहाँ पर चाय पी रहा हूँ। और अंकल बोल रहे मेरे को दिल्ली की लाइफ का बहुत बिजी है। सही बोल रहे हैं वैसे, क्योंकि हम लोग भी टाइम निकाल के यहाँ पर आते हैं। आना चाहिए यार, दो तीन महीने बाद में मस्त। धीरे 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 जाते जाते मैं देहरादून को देख रहा हूँ, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है वैसे वैसे चमकने लग गया देहरादून से। ऐसे लगता है जैसे मोती फेंके हुए बाहर। अब ये पता नहीं गोपुरा दिखाएगा नहीं, उसके लिए आईफोन लेना पड़ेगा मेरे को। बढ़िया खर्चा होने वाला है, बहुत मस्त खर्चा होगा इस बार। वैसे ठंड है यहाँ पे, अच्छी खासी ठंड है। अभी आप देख रहे होगे सामने देहरादून शहर है, तो ट्रॉली जो है अब दोबारा जाने वाली है मेरे ख्याल से। चली तो गई है वो, वहाँ से ट्रॉली जो है दोबारा से आ रही है, तो उसी में बैठ के जो वापस चलेंगे। पर उसके बाद मैं बनाए यहीं पे मॉल रोड पे रहेंगे थोड़े टाइम के लिए। लेकिन एक बात है यार, देहरादून शहर जो है ना अलग मस्त रहा है, जो लाइटें चमक रही है वाह। तो ट्रॉली जो आ गई है, इसके अंदर में जाएंगे, देखते हैं इस बार आए तो उस तरह से, इस बार हम जाएंगे इसमें कितने परसेंट आएंगे इसमें। सो फाइनली आई फाइंड आउट द मसूरी, द क्वींस ऑफ हिल्स। आखिरकार मैंने ढूंढ लिया इसको, यहाँ पे लिखा हुआ मसूरी द क्वीन ऑफ हिल्स। सच में क्या बात है, लाजवाब। एक फ़ोटो खींच लेते हैं यहाँ पे। सो मसूरी मॉल रोड तो यार मस्त है, ऐसा नहीं है कि खराब है, मस्त है कसम से। भीड़ जो है लगी हुई है 24 घंटे। और अगर मैं उस तरफ में जाऊँगा और थोड़ी सी और आगे की तरफ में, तो ये मान लो कि वाह लाजवाब लगेगा। क्योंकि इस तरफ में देखो ना चाना दिखाई दे रहा है ना वहाँ पर, ये वो जो चाना दिखाई दे रहा है वो पूरा जो है वेलकम टू मसूरी है वहाँ पर पूरा। तो ये जो है पूरा रोड जो है मस्त है। यस, और मॉल रोड जो है हर जगह ऐसे ही होते हैं सारे सेम। मैंने भी शिमला में देखा, कुल्लू में देखा, हर जगह जो है मॉल रोड मस्त है। सच में गजब है, गजब। तो अब जो है हम आ गए हैं मेन चीज़ में, मतलब पीछे था मॉल रोड ही पीछे ही था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा शॉप का एरिया है। तो ये है पूरा एक ज़बरदस्त मॉल, और यहीं पे जो है हम लोग आए हैं इसी को देखने के लिए आए हैं। और दूसरा बेवड़ों के लिए जो है, बेवड़े होते हैं उनके लिए जो है ठंडी बियर का जुगाड़ रखा है यहाँ पे, ये रहा। लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि हम पीते नहीं हैं, बेकार चीज़ है, बेकार चीज़ है। खैर छोड़ो, वेस्टेज ऑफ मनी है। हम जाएंगे अब कहाँ पे, मसूरी रोड पे, द होटल ऑफ सिल्वर रॉक्स। एक्चुअली पीछे से देखा था, नहीं आगे से देखा था। तो इस पूरे रोड्स में जो है लाइटिंग शेटिंग, और उसके बाद में क्या मज़ेदार चीज़ है, मैंने कभी जो है सोचा नहीं था इतना मस्त भी दिखेगा।
सो फाइनली द एंड ऑफ मसूरी, क्योंकि आगे की तरफ में जो है फिर टिकट लेने का पड़ेगा हमें 100 रुपये की अगर हम एक्स्ट्रा बाहर जाएंगे। तो इससे अच्छा कि हम लोग यहीं से वापस चलते हैं, क्योंकि अब जो है मन भी नहीं है आगे की तरफ जाने का, क्योंकि पीछे की तरफ अपने होटल स्टे की तरफ जाते हैं। और दूसरा मैं कुछ खाने पीने के लिए देख लेता हूँ, क्योंकि भूख तो लगी रही है। और ये पीछे जो देख रहे हो ना शहर, ये शहर है, कौन सा शहर था भूल गया, क्या नाम था यार भूल गया यार, मसूरी तो ये था, देहरादून, देहरादून शहर है पीछे। मस्त दिखता रहा यार, एक बात है यहाँ से देखना पूरा लाइटिंग शाइटिंग दिखाई दे रही है पूरी, ये जो शहर है ये पूरा देहरादून शहर है, मस्त दिखाई दे रहा है यहाँ से। यार एक बात बताऊँ, थोड़ी सी दुख की बात है, दुख की बात ये है कि जब भी कभी मैं किसी कपल को देखता हूँ ना, मुझे वो साथ में खा रहे होते हो, एक चम्मच तू एक चम्मच मैं, तो यार कसम से यार बड़ा ही दुख होता है नहीं कसम से बड़ा ही दुख होता है, लेकिन फिर भी क्या करूँ, क्या कर रहे हैं अब, अपनी किस्मत में है ही नहीं ये सब चीज़, तो क्या कर रहे हैं। कसम से ना मेरा नज़र नहीं हट रही मेरी देहरादून शहर से, इतना खूबसूरत लग रहा ना यहाँ से, क्या बताऊँ नज़र नहीं हट रही मेरी, बड़ी डेंजर है यहाँ पे। लेकिन चलो अपने रूम पे चलते हैं, खा पी लिया हमने बहुत, हम जो है चलते हैं, बस नींद आ रही है बहुत तेज, पानी पियेंगे और उसके बाद में सोएंगे, थोड़ी देर तक फ़ोन चलाएंगे, उसके बाद में लेट्स गो इसको, हाँ।